I'd like to invite now Dr. Ved Pradap Vaidik. He's a renowned Hindi journalist, scholar, political analyst, and a leading figure in India-Pakistan dialogue. Please come, sir. I would like to congratulate from depths of my heart on a very, very beautiful and meaningful discourse given by our respected sister. आज का नेम भगवती, हर नेम इज भगवती, स्वामिनी भगवती, भगवती सरस्वती जी जी यस, आई कॉन्ग्रेचुलेट हर अगेन फॉर ए वेरी ब्यूटीफुल डिस्कोर्स. थैंक यू. आज की इस शानदार सभा में, मजलिस में विराजमान विभूतियां, सुधींद्र कुलकर्णी जी को मैं हार्दिक बधाई देता हूं कि जो मेरा 30 साल से भी अधिक से पुराना सपना था उसको साकार करने का आज पहला दिन उन्होंने हम सबको दिया है. जब बांग्लादेश के नेता जियाउर रहमान साहब ने सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन की शुरुआत की, तो उसके बहुत पहले से, उसके करीब 15 साल पहले से, 1971 से, बांग्लादेश के निर्माण के बाद से मैंने इस सार्क की कल्पना की थी. इसके बारे में बराबर लिखता रहा, इन सारे देशों में जाता रहा, और जब 1985 में ये बना तो इसका एक हिंदी नाम मैंने दिया. इसका हिंदी नाम मैंने दिया दक्षेश, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ. ये नाम श्रीमती इंदिरा गांधी को बहुत पसंद आया, और आज हिंदुस्तान के लगभग सभी अखबार इस नाम को लिखते हैं, भारतीय भाषाओं के अखबार. संपाद की भी मैंने लिखा, नवभारत टाइम्स में था मैं. लेकिन जैसा कि अभी सुधींद्र जी ने कहा, 25 साल बीत गए, 28 साल बीत गए, लेकिन ये घूंघा गति से चल रहा है. इसकी तुलना करें एशियान से, इसकी तुलना करें अफ्रीका के ओएस से, इसकी तुलना करें लातिन अमेरिका के संगठन से, और सबसे ज़्यादा इसकी तुलना करें यूरोपियन कम्युनिटी से, तो मुझे बहुत दुख होता है. इन सारे संगठनों के मुकाबले हमारा सार्क, हमारा दक्षेश आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि हम सब लोग एक ही परिवार के हैं, एक ही कुटुंब के हैं. अफ्रीका के सारे देश एक ही कुटुंब के नहीं हैं, एशियान के सारे देश एक ही कुटुंब के नहीं हैं, यूरोप के सारे देश एक ही कुटुंब के नहीं हैं. हम लोग सब एक ही कुटुंब के हैं. आज से 400 साल पहले कौन सा हिंदुस्तान था, और कौन सा उज्बेकिस्तान था, और कौन सा तुर्कमेनिस्तान था, और कौन सा ईरान था, किसी को कोई पता नहीं. जिसे आर्य मेहर कहते हैं ईरान का, वो आर्यों का सूर्य, उस बादशाह का ही नाम था आर्यों का सूर्य. जिस पाणिनि पर हम गर्व करते हैं, वॉशिंगटन डीसी की लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस पे सबसे ऊपर जिसका चित्र लगा हुआ है, पाणिनि. जानते हैं पाणिनि कौन था? पेशावर से 28 किलोमीटर दूर ऊपर एक शालातुर नाम का गांव है, उस गांव का निवासी था, एक पठान था. कनिष्क कौन था, हुविश कौन था? ये सारे हिंदू शाह थे, इनका नाम ही हिंदू शाही था. ये सब अफगानिस्तान के बादशाह थे. और हमारा राजा कौन था, हमारा बादशाह कौन था? बाबर. बाबर कहाँ पैदा हुआ था? आजकल किर्गिजिस्तान की जो सीमा है वहाँ पर वो गांव है ओश, उस बाबर के गांव में मैं गया. इतना कविता का प्रेमी हिंदुस्तान में और कोई बादशाह नहीं हुआ.
ये सब हमारा इलाका है। इसको आर्यावर्त कहा जाता था, महर्षि दयानंद ने इसको आर्यावर्त कहा है, और इसको मैं कहता हूँ त्रिविष्टुप से मालदीव तक और अराकान से खुरासान तक। त्रिविष्टुप क्या है? तिब्बत, तीन कुब्बड़ हैं उसमें, त्रिविष्टुप और मालदीव नीचे तक हिंद महासागर तक। अभी मैं बताऊंगा कि इसका थोड़ा मैं और फैलाव करना चाहता हूँ। और अराकान क्या है? बर्मा। और खुरासान क्या है? ईरान। ये सब हमारा एक परिवार है, हजारों वर्षों से ये परिवार है। जैसा एक सत्यपाल जी ने कहा, एकता है। तब कोई मजहब नहीं था, तब कोई जातियां नहीं थी, तब कोई, जैसा भगवती जी ने कहा, कोई सीमाएं नहीं थी, कोई पासपोर्ट नहीं था, कोई वीजा नहीं था, कोई कहीं से चल के आ सकता था, कोई कहीं से चल के जा सकता था। क्या हम वो यूनिटी, वो एकता, वो इत्तेहाद फिर नहीं ला सकते हैं? क्यों नहीं ला सकते हैं? जब यूरोप ला सकता है, जो मुसलसिल लड़ते रहे, 30-30 साल तक लड़ते रहे, यूनानी मुल्कों से लड़ते रहे, आपस में लड़ते रहे, बाहरी मुल्कों से लड़ते रहे, वो आज एक ही कॉइन चलाते हैं, यूरो चलाते हैं, वो आज एक पार्लियामेंट अपनी चलाते हैं, वो अपना एक कॉन्फेडरेशन बनाए हुए हैं। तो क्या वजह है कि हमारा एक सिक्का नहीं है, हमारी एक संसद नहीं है, एक पार्लियामेंट क्यों नहीं है हम सब लोगों की? क्या वजह है कि हम लोगों का एक साझा बाजार क्यों नहीं है? पाकिस्तान के लोग कोई दूसरी चीज़ खाते हैं, जो हम खाते हैं वो खाते हैं। मैं तो करीब करीब हर साल पाकिस्तान जाता हूँ, मुझे फ़र्क ही नहीं लगता है कि पाकिस्तान में किसी और मुल्क में गया हूँ, बल्कि मैं इतना अपनापन महसूस करता हूँ वहाँ कि जब करगिल का युद्ध हो रहा था, जंग छिड़ रही थी, उधर से मियां नवाज शरीफ फ़ोन करते थे तो मुझसे पूछते थे कि भाई अपने सब लोग ठीक ठाक तो हैं? तो मैं मियां नवाज को पूछता था कि लाहौर में मेरे जो दोस्त अहबाब हैं उनको कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचा? असली दोस्ती तो यही होती है कि हिंदुस्तान में रहो या पाकिस्तान में रहो, दोस्त तो दोस्त होता है। अमृतसर के दोस्तों की जितनी चिंता मुझे होती थी, उतनी ही चिंता लाहौर में रहने वाले दोस्तों की होती थी। जैसा कादरी साहब ने कहा कि न भारत पाकिस्तान से दुश्मनी करे, न पाकिस्तान भारत से दुश्मनी करे, दोनों तरफ दोस्तों के घर हैं, कहीं भी बम गिरेगा तो मुझे तकलीफ होगी। तो हम क्यों नहीं एक हमारे एक ही परिवार को दोबारा जोड़ने की कोशिश करते हैं? अगर इसको दोबारा जोड़ें तो तफसील में मैं अगर बोलता आपसे तो कई बातें कह सकता था, लेकिन बहुत संक्षेप में, बहुत छोटे में बात कहता हूँ कि जो चीज़ें हो जाएंगी वो इतनी गजब की चीज़ें हो जाएंगी कि जो पिछले 5,000 साल में नहीं हुई। पिछले 5,000 साल में हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे पास साइंस इतना आगे बढ़ा हुआ नहीं था। बुनियादी चीज़ें तो थी, कम से कम हिंदुस्तान में थी, यूरोप में ना रही हो, अमेरिका में ना रही हो, हमारे यहाँ थी, लेकिन जैसा फैलाव आज हुआ है वैसा पहले कभी नहीं था। तो इसका फ़ायदा हम क्यों नहीं उठाते? सबसे पहले गरीबी का सवाल, जो आप में से सब लोगों ने उठाया कि सबसे बड़ा दुश्मन साउथ एशिया का, जनूबी एशिया का कोई है तो वो गरीबी है। गरीबी कैसे दूर होगी? अभी पिछले दिनों एक जलसे में मैं बोल रहा था, हिंदुस्तान के जो वजीर आज़म बनने वाले हैं वो मेरे साथ थे और दूसरे लोग मेरे साथ थे, उन सारे नेताओं के दिमाग पर से बात निकल गई, ऊपर से निकल गई। मैंने उनसे कहा कि जन दक्षेष बनाओ, पीपल सार्क बनाओ तो क्या होगा? जो होगा वो मैं आपको बताता हूँ। इन सारे मुल्कों में घूमा हूँ, सबसे पहले ये बताऊँ कि अभी दक्षेष में, सार्क में सिर्फ 8 मुल्क हैं, शुरू में 7 थे, अफगानिस्तान नहीं था। जब हामिद करजई पहली बार यहाँ आए तो हामिद भाई को मैंने कहा, मैंने कहा भाई तुम एक काम करो कि अफगानिस्तान को सार्क में ले आओ। अभी मैं आपको वो वजह नहीं बता सकता हूँ कि खुद भारत भी नहीं चाहता था कि कुछ और मुल्क सार्क में आए, वो कुछ अंदरूनी बातें, लेकिन मैंने जोर दिया, सारे वजीर आजमों से, हमारे प्रधानमंत्रियों से मैंने कहा कि अफगानिस्तान को हमें लाना ही है। अफगानिस्तान आया, 8 देश हो गए, 8 काफ़ी नहीं है, हमको 8 और चाहिए। बर्मा चाहिए हमको, और आंग सूची आती हैं प्रधानमंत्री बनकर, बर्मा में हम इसको सार्क में जोड़ेंगे। हमको ईरान चाहिए सार्क, ईरान के नेताओं से मैं बराबर कहता हूँ कि आप हमसे बाहर कैसे होंगे? आप तो हमारे सारे मुल्कों से एक बेहतर मुल्क हैं, तहजीब के लिहाज से,
तमद्दुन के लिहाज से, हर लिहाज से आप बेहतर हैं। आप हमारे साथ आइए। और हम इससे भी मुतमईन नहीं हैं, हमको 5-6 मुल्क और चाहिए। वो कौन से 5 मुल्क हैं? वो है उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिज़िस्तान, ताजिकिस्तान। ये सारे मुल्क हमको चाहिए, ये सार्क में होने चाहिए। ये हमारे मुल्क हैं, ये हमारे लोग हैं, हजारों बरस से हमारे लोग हैं। और मॉरिशस के जो 12 लाख लोग हैं, उसमें से भी 10 लाख लोग हमारे हैं। भारत और पाकिस्तान के लोग हैं, वो हमारे लोग हैं, उसको भी जोड़ो। कुल मिला के 16 मुल्क बनाओ। जब 16 मुल्क बनाओगे तो मैं दावे से कहता हूँ कि 5 साल में सारी गरीबी दूर हो जाएगी। कोई गरीब इस इलाके में रह नहीं सकता है। उसकी वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। हाजी गाग में कितना लोहा है? हाजी गाग अफगानिस्तान में लोहे की खदानों का इलाका है। आज से करीब 35-40 साल पहले मैंने इंदिरा जी से कहा था कि हम अपने खदान खोदने वालों को भेजें, अपने एंटरप्रेनर्स को भेजें और इन खदानों का फ़ायदा उठाएं। इंदिरा जी कहती थी पाकिस्तान माल लाने नहीं देता है। पाकिस्तान से बात हुई, बेनज़ीर भुट्टो से मैंने कहा जाके कि अगर आप हमको वहाँ से माल लाने दें तो आपको किराया इतना मिलेगा कि पाकिस्तान के बहुत सारे इक्तसादी मामले, आर्थिक मामले हल हो जाएंगे। और किराया नहीं मिलेगा, हमारी गर्दन पे आपका अंगूठा रहेगा, आप जब चाहे दबा दें। हमको दबाने के लिए आपको एक लीवरेज देता हूँ आप दोनों। इसलिए बेनज़ीर ने कहा मुझसे कि भाई आप बात कीजिए, अफगानिस्तान जाके बात कीजिए, इंडिया बात कीजिए और ये एग्रीमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन आज तक नहीं हुआ। हाजी गाक में इतना लोहा है कि 200 साल तक पूरे साउथ एशिया की लोहे की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। कजाकिस्तान में गया कई बार। कजाकिस्तान में आप जानते हैं ज़मीन कितनी है? हिंदुस्तान के बराबर ज़मीन है कजाकिस्तान की। और लोग कितने हैं? शायद बम्बई जितने भी नहीं है। 1.5 करोड़ लोग रहते हैं। दिल्ली से भी कम लोग कजाकिस्तान में रहते हैं। कजाकिस्तान और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के पूरे बॉर्डर पे मैं घूमा हूँ, जिसे आमू दरिया कहते हैं, जिसको वेदों में वक्षु सरिता कहा गया है। उस पर पूरी 1200 किलोमीटर की नदी है। वो पुराने सोवियत संघ से हमारे इलाके को अलग करती थी। उस नदी के किनारे किनारे में घूमा हूँ। BDP के ड्राइवर फेंकता है और आग जलने लगती है। इतना गैस, इतना तेल कि 2-3 फुट खोदो और तेल बाहर आ जाता है। अफगानिस्तान में उसका कोई इस्तेमाल करने वाला नहीं है। कजाकिस्तान में इतना धन धान्य पड़ा है कि उसका कोई इस्तेमाल करने वाला नहीं है। आगे अभी तुर्कमेनिस्तान से जो गैस, तापी एयरलाइन जो तुर्कमेनिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और भारत, ये गैस लाइन अगर यहाँ आ जाए तो जिस गैस का आप 30-35 रुपये एक लीटर का देते हैं वो आपको 5 रुपये मिलने लगे। हिंदुस्तान के लोग अगर कजाकिस्तान जाने लगे, पाकिस्तान के अगर उज़्बेकिस्तान जाने लगे, इन सारे इलाकों में इंडिया और पाकिस्तान के लोग जाने लगे, 20 करोड़ लोगों को नई नौकरियां मिल सकती हैं, नए काम मिल सकते हैं, गरीबी दूर हो सकती है। ये तो मैंने आपको एक एस्पेक्ट बताया, इसके कई एस्पेक्ट हैं। दूसरा संक्षेप में कहता हूँ, इसका एक जो सामरिक एस्पेक्ट है, स्ट्रेटेजिक, रणनीतिक, वो और भी गजब का है। हम कितना पैसा असले पे खर्च करते हैं, हथियारों पे खर्च करते हैं। अगर हम सब लोग एक कॉमन मार्केट बना लें, कॉमन करेंसी बना लें, और कॉमन करेंसी तो पहले से ही है। ईरान में तूमान कहते हैं, पाकिस्तान में आपकी करेंसी को क्या बोलते हैं? रुपया। अफगानिस्तान में क्या बोलते हैं? रुपया। श्रीलंका में क्या बोलते हैं? रुपया का। संस्कृत में बोलते हैं रुपया का। नेपाल में क्या बोलते हैं? रुपया। हर जगह भूटान में क्या बोलते हैं? रुपया। अरे कॉमन करेंसी तो आपकी हजारों वर्षों से चल रही है, रुपया का। ये वेदों में आया है शब्द, संस्कृत का शब्द है। तो क्यों नहीं ये कॉमन करेंसी चलाते हैं? कॉमन करेंसी चले तो ये जो हथियारों पे खर्च होता है ये बंद हो। बाहर से हथियार खरीदना हम कम करें, बाहर से हथियार खरीदना कम करें तो बाहरी दखलंदाजी कम हो, हस्तक्षेप कम हो। अपने मसले हम घर में बैठ के हम हल करें। हमसे ज़्यादा अकल किसके पास है दुनिया में? अभी कादरी साहब ने भी बताया, महात्मा गांधी का उद्धरण किया कि सारे मज़हबों का जन्मदाता एशिया है। एक बार वाशिंगटन DC के बड़े चर्च में मेरा भाषण हो रहा था तो उनको मैंने कहा कि आप बार बार मुझसे ये मत कहिए भाई अमरीकी लोगों कि आपने सभ्यता हमको दी, तहजीब हमको दी, ईसाइयत आप भारत लाए। अरे ईसा तो हमने आपको दिया है, ईसा आपने हमको दिया है। ईसा मसीह में नए अमरीकी भाइयों का, वो आपके जैसे नहीं लगते थे, वो मेरे जैसे लगते थे, वो एशियाई थे। एशिया ने मोहम्मद साहब आपको दिए हैं, एशिया ने बुद्ध आपको दिए हैं, एशिया ने महावीर आपको दिए हैं।
तो मैंने जब उनको ये कहा तो उनको समझ में आई कि भारतीयों को उपदेश देने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तानियों को उपदेश देने की ज़रूरत नहीं है, ये दुनिया के सबसे पुराने कल्चर के जगह हैं। तो ये जो खर्चा कम होगा हथियारों पर और बाहरी दखलंदाजी कम होगी, ये असली शांति लाएगी, जिस शांति के लिए आप शास्त्रों का, बाइबल का, कुरान शरीफ का, सबका वर्णन कर रहे हैं, वो शांति असले को कम करने से आएगी। इसके अलावा जो तीसरी बात वहाँ होने वाली है, अगर हम सार्क बना देंगे तो एक राजनीतिक दृष्टि से जो मामले हैं वो सुलझेंगे। आज आप देखिए, इंडिया के अलावा हमारे जितने पड़ोसी देश हैं, एक एक देश के बारे में नहीं बताऊंगा आपको, वक्त लगता है, हर देश का संविधान बदल गया है, आईन बदल गया है। उर्दू में आपकी खातिर बोल रहा हूँ, मैं फारसी भी बोलता हूँ, आईन बदल चुका है। श्रीलंका का मैं फारसी भी बोलता हूँ कादरी साहब, ये जो आईन है, जो संविधान है श्रीलंका का, 4 बार बदल चुका है। पाकिस्तान का 4-5 बार बदल चुका है। अफगानिस्तान का 6 बार बदल चुका है। नेपाल का अभी लटका हुआ है, बदल नहीं रहा है, 3 साल से बदल रहा है, बदला नहीं है। सारे पड़ोसी देशों के आईन बदल चुके हैं, सरकारों के तख्ता पलट हो गए हैं। पाकिस्तान में कितने तख्ता पलट हुए हैं, अभी ये लग रहा था कि मुशर्रफ साहब पलट देंगे, अभी ये कयानी साहब गए तो ये डर लग रहा था कि पता नहीं क्या कर देंगे, मियाँ नवाज़ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अभी जब मियाँ नवाज़ से मैं मिला 25 मई को उनके ओथ लेने के 3-4 दिन पहले, तो पूरे पाकिस्तान में सुगबुगाहट थी कि पता नहीं नया सेनापति आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं इन्हीं को एक्सटेंशन देंगे क्या होगा। श्रीलंका में भी यही हाल है। श्रीमाओ बंदारनायक जो इतनी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर थी, 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी अगर जहाज़ नहीं भेजती, अगर हमारे हेलीकॉप्टर उड़ के उनको नहीं बचाते, तो 1971 में उनका तख्ता पलट हो जाता। नेपाल में राजा त्रिभुवन का तख्ता पलट हुआ, 1951 में भाग के यहाँ आ गए। सारे मुल्कों में, अफगानिस्तान में क्या हुआ, सरदार दाऊद से ज़्यादा लोकप्रिय, पॉपुलर कोई लीडर नहीं था, 1 मिनट में सरदार दाऊद को उखाड़ के फेंक दिया। बबरक कारमाल का क्या हुआ, नजीबुल्ला का क्या हुआ, सारे पड़ोसी देशों में एक जो अस्थिरता है, जो गड़बड़ी का माहौल है, क्यों है? क्योंकि हमारा जो वैल्यू सिस्टम है, जो एशियन वैल्यू सिस्टम है, जो साउथ एशियन वैल्यू सिस्टम है, ये नीचे तक परकोलेट नहीं हुआ है। अगर हम सारे मुल्क एक होकर रहें, एक फैमिली की तरह रहें, तो इंडिया में क्यों नहीं आज तक कू हुआ, क्यों नहीं आज तक तख्ता पलट नहीं हुआ? इंदिरा गांधी जैसी परम प्रतापी प्रधानमंत्री को कागज़ का टुकड़ा फेंका और उलट गया लोगों ने, कोई खून खच्चर नहीं हुआ। और फिर देखो सरकार बदली जाएगी, कोई खून खच्चर नहीं होगा, सब एक्सेप्ट करेंगे, क्यों नहीं? ये माहौल डेमोक्रेसी का, ये जमहूरियत का पूरे साउथ एशिया में फैलता है। आज क्या यूरोप के किसी देश में कू हो सकता है? यूरोप के देश में क्या आर्मी टेक ओवर कर सकती है? क्यों नहीं करती है? एक तो इक्तसादी मजबूती है, आर्थिक मजबूती है वहाँ, और दूसरा लोगों की चेतना जगी हुई है। तो हम अगर पीपल्स सार्क बनाएंगे, जो सुधींद्र जी ने कर दिया, मैंने तो एक बार इनसे सिर्फ कहा भर था टेलीफोन पर कि भाई पीपल्स सार्क होना चाहिए, तो चलो आपने बहुत अच्छा किया। मैं बहुत वक्त नहीं लेता हूँ, जो धर्म के पंडितों को बुलाया है, एक बात आखिर में कह दूँ कि मज़हब ने जितना नुकसान पहुँचाया है, साउथ एशिया को किसी ने नहीं पहुँचाया। मज़हब के नाम पे मुल्क बटे हैं, और मज़हब के नाम पे बटे हुआ मुल्क भी बटा है। कादियानी साहब, मैं लाहौर जाता रहता हूँ, मुझे वहाँ के सब लोग मिलते हैं, आपसे मुलाकात नहीं हुई, पता क्यों नहीं हुई, मियाँ नवाज़ आपके बारे में मुझे बता रहे थे पुराना सारा, सब लोगों को जानता हूँ, वहाँ के कादियानी लोगों को भी जानता हूँ, शिया लोगों को भी जानता हूँ। जमात के काजी हुसैन साहब भी मेरे बड़े जिगरी दोस्त थे, अभी उनके फौत होने के बाद मैं गया भी था। तो मेरा कहना ये है कि मज़हब के नाम पे आप बटे और फिर भी लड़ाई लड़ रहे हैं। मज़हब के नाम पे जितने लोग मारे गए, बटने के बाद उसी मज़हब में एकता क्यों नहीं है? सब लोग मिल के काम क्यों नहीं करते हैं? इसका मतलब कहीं कोई ख़राबी है, कहीं कोई नुक्स है जिसे हमें पहचानना चाहिए। मज़हब के लोग जो बात आज कर रहे हैं, जितना सुंदर आपने पुस्तक लिखी, आपका ये ग्रंथ, आपकी किताब मैंने पढ़ डाली, अद्भुत किताब है, आपको मुबारकबाद देता हूँ, और आपसे कहता हूँ कि इस किताब का तर्जुमा हिंदुस्तान की सब जुबानों में कराइए, और सिंगली भाषा में भी कराइए, तमिल में भी कराइए, ताकि श्रीलंका के मुसलमान भी पढ़ें, मालदीव के लोग भी पढ़ें। इसमें आपने कमाल किया है। जो अच्छी अच्छी बातें इस्लाम के बारे में मैं जानता था और बोलता था, जब मैं बोलता था तो मेरे मुसलमान भाई मुझसे कहते थे, यार क्या कर रहे हैं,
ये हिंदुओं की बातें आप हमको मुसलमानी बातें कह के समझा रहे, आपने मुझसे भी बेहतर तरीके से इसमें लिखा है। हर मुसलमान को किताब कादरी साहब की पढ़ना चाहिए। ये किताब अगर सारे मुसलमान पढ़ लें तो एक नया एनलाइटनमेंट पूरे साउथ एशिया में शुरू हो जाएगा। ये इतनी मज़ेदार किताब है। और कुलकर्णी जी, आपको बधाई देता हूँ भाई, आप कमाल का काम कर रहे हैं। तो मेरा अंत में कहना यही है, बहुत सी बातें कहने की हैं लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ, ये काम शुरू किया है तो इसको सिर्फ मज़हब के सहारे न छोड़ें। मज़हब के लोग तो हैं ही अपने, एक से एक बढ़िया लोग यहाँ हैं। अपने देश की ट्रेजेडी क्या है पूरे साउथ एशिया की, कि मज़हबी लोग हैं धर्म चलाते हैं। धर्म ने जितने झगड़े कराए हैं यूरोप में, किसी और संस्था ने, पॉलिटिशियन ने इतने नहीं कराए। जो इंक्विजिशंस बनी हैं यूरोप की, 1000 साल का इतिहास है, कितनी बर्बादी हुई है यूरोप की, किसी और ने नहीं कराई। लेकिन धर्म के ये लोग, इनमें नैतिकता का बल हो, अगर मॉरेलिटी हो इनमें, एक बड़ा मॉरल लीडर पूरे साउथ एशिया में पैदा होना चाहिए। आज हिंदुस्तान की ट्रेजेडी क्या है, पाकिस्तान की ट्रेजेडी क्या है, आपके यहाँ दर्जनों लीडर हैं और हमारे यहाँ सैकड़ों लीडर हैं, लेकिन एक भी आदमी ऐसा नहीं है भारत में कि जिसकी आवाज़ पर लोग अमल करते हों। अगर एक आदमी ये कह दे कि पूरे हिंदुस्तान को अपनी ज़ुबान में दस्तखत करना चाहिए, दस्तखत किसी विदेशी ज़ुबान में नहीं करना चाहिए, एक आदमी कह दे पूरे हिंदुस्तान में और पूरे पाकिस्तान में और पूरे साउथ एशिया में कादरी साहब कि कोई रिश्वत देगा नहीं और कोई रिश्वत लेगा नहीं, चमत्कार हो जाए, मौजा हो जाए। लेकिन कोई कहने की ज़रूरत नहीं करता है। यहाँ जितनी तहरीकें चली हैं हिंदुस्तान में, मैंने पिछले 4 साल में उनकी डट के मदद की है, लेकिन अफसोस के साथ मैं कहता हूँ कि किसी भी तहरीक ने कोई मॉरल एटमॉस्फेयर बनाया नहीं है, कोई नैतिक वातावरण पैदा नहीं किया है, किसी ने भी ये कॉल नहीं दिया है। ये मैंने 1 जून 2010 में उज्जैन की सभा में कॉल दिया था, जब रामदेव जी पूरे देश की यात्रा समाप्त करके आए तो उन्होंने मुझे कहा कि आप समापन करें, आप मार्गदर्शन करें, आप बताएं कि हम क्या करें, हमका रिश्वत के खिलाफ शंखनाद करो। कौन करेगा? नेता तो कर नहीं सकते, बिजनेसमैन कर नहीं सकता, उसकी मजबूरी है बेचारे की। आप कर सकते हैं, स्वामी जी महाराज कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, पादरी महोदय कर सकते हैं, त्रिलोचन सिंह जी कर सकते हैं, आप थेरो जी कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं। मैं धर्मध्वजियों से प्रार्थना करता हूँ कि धर्म के नाम पर कम से कम हमारे पूरे साउथ एशिया को जोड़ने वाली एक महान नैतिकता को पैदा करें। और त्रिलोचन सिंह जी के उस प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूँ कि सब एक धार्मिक परिषद बनाएं, काउंसिल बनाएं, और सिर्फ एनालाइज ही नहीं करें। एनालाइज तो हम लोगों ने बहुत कर रखा है, रोज़ अखबारों में लिखते हैं, रोज़ रिएक्ट करते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि सब सन्यासी लोग, सब महात्मा लोग, आप लोग जाएं और टेररिस्ट से बात करें। अफगानिस्तान में तालिबान के नेताओं से मैंने उनके घर जाकर, काबुल में, कंधार में, हेरात में और छोटे छोटे गांवों में, घर में जाकर मैंने आतंकवादी, जिनको आप आतंकवादी कहते हैं, उनसे मैंने घर में जाके बात की है। और मैं आपको क्या बताऊं कि वो कितने सज्जन, कितने बात को समझने वाले, और ऐसे लोग जिनके नाम नहीं लेना चाहता हूं यहां, बातचीत के बाद उन्होंने कहा अब हम हथियार नहीं उठाएंगे। तो मैं धर्मों के सारे अध्यक्षों से प्रार्थना करता हूं कि सिर्फ एनालाइज ही नहीं करें, आप जाएं, आपका इतना रिस्पेक्ट होगा, इतना सम्मान होगा। पाकिस्तान में जो लोग तशद्दुद फैला रहे हैं, मेरी उनसे सीधी बात होती है, मैं डरता नहीं हूँ। अब 70 साल की उम्र हो रही है, कोई मुझे मार भी दे तो मेरा क्या बिगड़ रहा है? सारे जीवन के आनंद में ले चुका हूँ, सारे सुख भोग चुका हूँ, सारी बुराइयों का मुझे पता है, सारी अच्छाइयों का पता है। मर गए तो मर गए, अभी कार के एक्सीडेंट में ही मर जाएँ तो क्या है? तो चलो, एक टेररिस्ट मुझे मार देगा तो मार दे, कोई परवाह नहीं है। आप जाएँ, उनसे सीधी बात करें, वो भी मनुष्य हैं, उनके हृदय में भी, जैसा कि पादरी साहब ने कहा, माफ़ कीजिए पादरी साहब छोटा है, कुछ क्या बोलना चाहिए, कार्डिनल साहब ने कहा, माफ़ कीजिए मुझे, कार्डिनल साहब ने जैसे कहा कि शांति कब आती है, कि अपने हृदय में ईश्वर विराजमान हो, भगवान अल्लाह ताला खुद बैठे हों आपके दिल में, तो आप किसी का बुरा सोच नहीं सकते। मुझे कभी लगता ही नहीं है कि कोई टेररिस्ट मुझे गोली मार देगा, क्यों मार देगा? मैं तो उसको प्यार करना चाहता हूँ, प्यार से उसको समझाना चाहता हूँ कि जो रास्ता तूने अख्तियार किया है वो तेरा रास्ता नहीं है, वो तुझे कहीं नहीं ले जाएगा, ना हमें कहीं का छोड़ेगा, ना तुझे कहीं का छोड़ेगा। इसलिए मेरी दरख्वास्त ये है, कुलकर्णी जी ने इतना बढ़िया आयोजन किया है, आपके पीछे रिसोर्सेज भी हैं, आप इसको चलाइए। ये मेरा पुत्र है, लेकिन आप इसके पिता बनना चाहते हो तो मैं आपको भेंट करता हूँ, आप इसको चलाइए।
Thank you so much, Dr. Vaidik, for calling for moral leadership and a call to action on all our behalf. Dr. Vaidik ko bhi bahut bahut mubarakbad, hazar ha mard ko mubarakbad, congratulations deta hu. Bahut fikr angez khitab kiya hai, bahut thought provoking baat ki hai, mubarak.